हरे कृष्णा। हम अलग अलग कहानियाँ पढ़ रहे हैं एक सुंदर पुस्तक से जिसका नाम है उपाख्याने उपदेशे। छोटी छोटी कहानियों के द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे हैं। कहानियाँ तो छोटी है पर उसका जो अर्थ है बहुत ही गहन है, गहरा है। तो आप ज़रूर इस पुस्तक को पढ़िए, उपाख्याने उपदेशे आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो एक कहानी में पढ़ रहा था, बहुत ही सुंदर है, और कहानी का उद्देश्य ये है, ये बताना है कि किस प्रकार से हम भक्ति में आने के बाद भी अलग अलग चीज़ों का गठन करने लग जाते हैं और उसमें उलझ जाते हैं और भक्ति तो दूर ही रह जाती है, राइट। तो एक बार की बात है, एक सन्यासी थे, उन्होंने अपने शिष्य को एक गीता दी, बोले इस गीता को आप रोज़ पढ़िए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो उस शिष्य ने गीता को ऐसे सिर पे लगाया और दूर कहीं गुफा में चला गया गीता पढ़ने के लिए। दिन भर गीता पढ़ता था पर रात में जब सोता था तो उसे लगा कि कोई मेरी गीता को खा रहा है। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक चूहा था, तो सोचने लग गया अभी चूहे का बंदोबस्त कैसे किया जाए। तो मार्केट में गया, वो तो पहाड़ों में रहता था, नीचे उतर के मार्केट में गया और मार्केट से कुछ यू नो उसने एक बिल्ली खरीदी, बिल्ली को लाया, बिल्ली को रखा। तो तब से चूहा का आना वहाँ पे बंद हो गया, पर बिल्ली चिल्लाने लग गई म्याओं म्याओं। उसे पता चला कि इसको तो भूख लगी है, बहुत दिनों से हमने उसे तो खाने को दिया ही नहीं। तो फिर से वो मार्केट में गया, मार्केट से दूध लाया और ऐसे हर रोज़ करता था, उसे हर रोज़ दूध पिलाता था। तो वो सोचने लग गया, अरे मेरे पास अभी टाइम ही कहाँ मिलता है, एक घंटा जाने में लगता है, एक घंटा आने में लगता है, ये बिल्ली को खिलाना पिलाना पड़ता है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, अभी क्या करूँ। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक गाय को ही लाऊँ यहाँ पे। तो पहाड़ में उसने एक गाय खरीद के लाई और गाय से दूध निकालता था, दूध बिल्ली को पिलाता था। तो बिल्ली तो खुश हो गई पर गाय दुखी हो गई, क्योंकि उसको वहाँ पर चारा नहीं मिल रहा था, घास फूस नहीं मिल रही थी। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो वो फिर से मार्केट में गया, मार्केट से वो सब घास फूस लाया गाय के लिए, वो पत्ते तोड़ता था, बहुत कुछ करता था, जंगल में जाके लाता था पत्ता वगैरह जो भी गाय को लगता है। गाय के लिए एक छोटा सा उसने टेंट बना दिया, झोपड़ी बना दी जहाँ पे गाय रहती थी, राइट, मतलब उसका संरक्षण हो गाय और गाय जो है एकदम होमली कम्फर्टेबल फील करे। तो सब गाय की अच्छे से व्यवस्था करता था, पर गाय केवल दूध निकालने से काम नहीं होता, आपको उसका रख रखाव करना पड़ता है, आपको क्लीन करना पड़ता है, राइट, सब कुछ। गाय को सब क्लीन लगता है, तो उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता था, वैसे तो उठता ही था पर गीता पढ़ता था, अभी क्या करना पड़ता था, उसको गोबर साफ़ करना, गोमूत्र साफ़ करना, दूध निकालना, बिल्ली को पिलाना, बाप रे वो थक गया अभी क्या करे। और उसने सोचा क्यों ना मैं एक ग्वाले को रखूँ, और ये जो ग्वाला है गाय का सब कुछ देखेगा और बिल्ली को दूध भी पिला देगा। तो उसने ग्वाला को हायर किया, पर ग्वाला को हायर करना मतलब उसको पैसा भी देना पड़ता है, वो उसने सोचा नहीं, हायर तो कर लिया। तो ग्वाला सब कुछ अच्छा रखता था, रख रखाव करता था, पर एक महीना हो गया, ग्वाले ने कहा सैलरी दीजिए भाई मुझे। तो उसने सोचा अरे बाप रे, अभी मेरे पास तो पैसे नहीं, तो मैंने तो कभी सोचा नहीं ऐसा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, मैं आपको सैलरी दे दूँगा, पैसे दे दूँगा, आपको खाना पीना भी दे दूँगा, आप रहिए, थोड़ा देर रहिए, कुछ टॉयलेट कीजिए, टॉयलेट। तो उसने कहा ठीक है। तो ऐसे ही वो सोचने लग गया अभी क्या करूँ यार, एक पैसा कहाँ से लाऊँ और ये इसको खाने पीने को कौन देगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं शादी कर लेता हूँ, जो मेरी जो वाइफ आएगी वो चपाती सब्जी जो भी है बनाएगी और इस ग्वाले को खिलाएगी, ग्वाला दूध निकालेगा, दूध मैं बिल्ली को दूंगा, बिल्ली मेरे गीता का संरक्षण करेगी, राइट। तो उसने शादी कर ली, बीबी को घर पे लाया, अभी बीबी को गुफा में थोड़े रखेंगे, उसने ये सोचा नहीं। तो बीबी को लाया, बीबी उसकी थी, पत्नी थी, वो सब खाना वगैरह बनाती थी, इस ग्वाले को परोसती थी, और जो ग्वाला है गाय का रख रखाव करता था, उसकी अच्छे से केयर लेता था। अभी इस शिष्य को अपनी गलती पता चल गई कि अरे बीबी को रखना है मतलब आपको घर चाहिए, गुफा में कैसे रखेंगे, और अच्छा से खाना पीना भी देना चाहिए, राइट। तो उसने कहा कि अभी गीता वगैरह है थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा काम धाम करते हैं। तो रोज़ सुबह उठता था, मार्केट में जाता था, काम करता था, पैसा कमाता था, घर पे लाता था, बीबी कुछ खाना बनाती थी, ग्वाले को परोसती थी, उसको परोसती थी और दूध निकालते था वो ग्वाला। तो उस प्रकार से वो काम करने लग गया, काम धाम करने लग गया। अभी शादी हो गई तो बच्चे तो हो गई, बच्चे हो गए और बच्चों का सब एजुकेशन एंड एवरीथिंग, उसको घर बनाना पड़ा, बड़ा बहुत सारे पैसे कमाने पड़े। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक वो काम करता था, काम करता था, काम करता था,
और केवल काम नहीं किया उसने, बहुत सारे पैसे भी कमाए, बड़ा बंगला बना लिया उसने, अभी उसके पास सब कुछ था, राइट। तो एक दिन की बात है, उसके गुरु जो थे उसके घर पे आए और पूछा, अरे क्या भाई तुम तो सन्यासी थे, कहीं गुफा में बैठे रहते थे, अभी क्या ये बंगले में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि महाराज जी ये आपके सब गीता के लिए है, गीता में पढ़ना चाहता था इसलिए सब कुछ करना पड़ा। तो महाराज जी ने कहा पर गीता कहाँ है? तो उसने कहा गीता देखो कबड़ में पड़ी है। तो ये हालत होती है सब हमारी सबकी, जो जो आध्यात्मिक गुरु है उनके उपदेशों का प्रॉपर तरीके से पालन नहीं करते। हम सोचते हैं युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य का अर्थ ऐसा होता है कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दो, पर इस इंस्ट्रक्शन का हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं इसको भी भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे, और खुद ही भगवान की सेवा से निकल जाते हैं। जिस प्रकार से उसको गीता पढ़ना था, कितना सिंपल था गीता पढ़ना, पर उसने गीता पढ़ने के लिए कितना सारा चीज़ किया जिसमें वो उलझ गया, और जो पढ़ना था प्राइमरी थिंग थी उसे ही भूल गया, सेकेंडरी चीज़ों में उलझ गया। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक महत्वपूर्ण संदेश इसमें बताते हैं कि जो भक्त है उसने अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि कब मैं आउट ऑफ द बाउंड्री जा रहा हूँ। उसने खुद को एक बाउंड्री में रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसका भी उपयोग कृष्ण सेवा में हो सकता है, इसका भी उपयोग कृष्ण सेवा में होता है तो चलो लाते दो इस सब सारी चीज़ों को। तो मैं मेरा उदाहरण देता हूँ कि जब हम 10 साल पहले, मोबाइल तो बड़ा नया था तभी, राइट, स्मार्टफोन नहीं हुआ करते, तो फिर भी हमने एक लिया था, सोचा था इसमें हम कीर्तन सुनेंगे वगैरह 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 ये रखेंगे हमारे पास। पर ऐसा हो गया कि उसमें फिल्मी गाने आ गए और सारी चीज़ें टाइम पास, तो बहुत सारा समय व्यर्थ भी जाने लग गया। तो ये समय व्यर्थ जा रहा है ऐसे मुझे बाकी भक्तों ने बताया, तब मैं थोड़ा लाइन पर आ गया। तो कई बार ऐसा होता है मन हमें उलझा देता है सारी चीज़ों में कि नहीं ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। अरे सारे सब तो हम कृष्ण के लिए तो कर रहे हैं, तो कृष्ण के लिए ही तो कर रहे हैं, इस नाम से हम इतने सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं तो कृष्ण ही दूर रह जाते हैं। तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि यार सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और देखना है कि आप ज़्यादा कोई चीज़ों में उलझे नहीं, और जो प्राइमरी चीज़ है जो कृष्ण भक्ति वो आप हमेशा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।